आज आप सभी को पता है कि आरके मिशन को लेकर के हम लोग एक मुहिम चेरा था। तो उसमें जो हम लोग यहाँ बैठे एक्सपर्ट कमिटी गठन किया था, तो आज उस कमिटी का द्वारा आरके मिशन को लेकर के हम लोगों ने अभी तक क्या किया, तो मैं आप सबके सामने बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपने देखा होगा, डॉक्टर से हम लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुआ, तो डॉक्टर लोगों ने हम लोगों को बुलाया कि स्टूडेंट कम्युनिटी और डॉक्टर के बीच में ऐसा अनबन नहीं हो सकता है। तो हम लोग ने भी एग्री किया, चलो जो भी हो कुछ बैठक बैठ करके डिस्कशन करते हैं। तो उन लोगों ने यह हम लोग को आश्वासन दिया कि आज से स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, ऐसे करके उन लोगों ने पेपर में भी दे दिया। तो हम लोग डेट पॉइंट वी ऑल आर सेटिस्फाइड, और सारा स्टूडेंट कम्युनिटी जो है सबको सेटिस्फाइड होना चाहिए। एंड सेकेंड, हम लोग का एक बड़ा मुद्दा था कि आरके मिशन अथॉरिटीज़ को सिस्टम आरके मिशन अथॉरिटीज़ का सिस्टम को कैसे करके हम ठीक करें, और उसमें पब्लिक जो जनरल पब्लिक को, जो पेशेंट को, मरीज को कैसे करके बेनिफिट मिले, उनके सुविधा के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको ले करके था। तो कल हम लोगों को आरके मिशन्स के अथॉरिटीज़ यानी कि सोमी जी, सेक्रेटरी सोमी जी लीड करके सारा अथॉरिटीज़ के साथ में हम लोगों को मीटिंग बुलाया, बैठक बुलाया उनके चैम्बर में। तो उस मीटिंग में हम लोग का सारा जो डिमांड है फुलफिल करने के लिए आश्वासन दिया, और उनके तरफ से ये अपोलोजाइज आरके मिशन्स के अथॉरिटीज़ ने लिखा है। तो मैं सारा पॉइंट को रीड आउट मीटिंग्स का जो मिनट को रीड आउट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन एक सेंटेंस जो है मैं आप सबको रीड आउट करके सुनाना चाहूँगा। हिमसेल्फ एडमिटेड दैट द इशू वॉज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोरेशन बाई आर के मिशन हॉस्पिटल अथॉरिटीज एंड द सेक्रेटरी सोमी जी हैज़ वॉलेंटियरली अपोलोजाइज द अपसू स्टूडेंट कम्युनिटीज ऑफ द इंटर स्टेट एंड जनरल पब्लिक एज अ होल थ्रू जॉइंट एक्सपर्ट कमिटी। हम लोग के जरिए उन लोग ने माफ़ी मांगा कि आपके बाद ऐसा दोबारा गलतफहमी नहीं होगा, स्टूडेंट कम्युनिटी से या जनरल पब्लिक से ऐसा दोबारा नहीं होगा। और मैं इस कमिटी के जरिए हम लोगों का क्या क्या डिमांड्स फुलफिल हुए हैं, और हम लोगों का क्या डिमांड था, और सारा जनरल पब्लिक का क्या गिला शिकवा था, मैं आप सबके सामने बता देना चाहता हूँ। नंबर 1 पॉइंट, हम लोगों का या जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट है, हम लोग ने मांगा था लेबोरेटरी चार्जेस को कम से कम किया जाए, ताकि जो पेशेंट्स है, जो जनरल पब्लिक है आरके मिशन में जो आते हैं, उनको सुविधा मिले। तो उसको उन लोगों ने एग्री किया, हाँ लेबोरेटरी का चार्जेस को कम से कम कम करेंगे, और इसलिए हम लोगों का कहने पर आरके मिशन्स अथॉरिटीज़ ने ये निर्धारित किया, ये फैसला किया कि आपके बाद उन लोगों का लेबोरेटरी चार्जेस जो है सारा जनरल पब्लिक के लिए, जरा पेशेंट्स के लिए 20% कम किए जाएंगे। ये पहला हम लोग का डिमांड था, और उन लोगों ने फुलफिल भी कर दिया। एंड सेकेंड है डायलिसिस का, जहाँ तक हम सवाल करते हैं, उन लोगों ने ये भी आश्वासन दिया है कि सरकार से उनका बातचीत चल रहा है, जैसे ही सरकार जो है डायलिसिस को ले करके अप्रूव कर देता है, सैंक्शन कर देता है, ये डायलिस जो है मुफ्त में आरके मिशन में सभी
पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए उपलब्ध होगा, मुफ्त में उपलब्ध होगा, ये आश्वासन दिया है। ये भी सारा जनरल पब्लिक के लिए खुशी की खबर है। एंड सेकेंड में हम लोगों ने ये भी उसे डिमांड किया था कि विद इन द आरके मिशन प्रमिसिस में आपका जो प्रवासी जो है क्यों रन नहीं करता है, ये भी सवाल किया। तो उनको भी हम लोगों ने बोला कि आपका 24 hours जो है प्रवासी जो है आपके अथॉरिटीज़ के अंदर में, आरके मिशन के अंदर में चलना चाहिए। तो उन लोग ने हम लोगों से, सारा जनरल पब्लिक से 15 डेज का समय मांगा। 15 डेज के भीतर भीतर 24 hours आरके मिशन के अंदर प्रवासी चालू होगा एंड 10% कम करके सारा मेडिसिन जो है उपलब्ध होगा। ये हम लोग का सेकेंड डिमांड को भी उन लोगों ने फुलफिल किया। एंड थर्ड में एक कंप्लेंट आया, एक शिकायत हम लोगों को मिला सारा जनरल स्टेक होल्डर से कि जो इमरजेंसी में जो एंट्री करने के लिए जो काउंटर सिस्टम जो बना के रखा है वो जो है इमरजेंसी जो पेशेंट्स के लिए बहुत ही हानिकारक है और इनको बोला कि हटा देना चाहिए। ये जनरल पब्लिक का हम लोगों से शिकायत मिला। तो उस शिकायत को लेकर के भी हमने फेस किया कि आपका इमरजेंसी का जो टिकट काउंटर सिस्टम है उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें लाइन लगते लगते आदमी का खून पूरा बह जाता है और सीरियस हो जाता है। तो उसको भी उन्होंने माना कि ये टिकट काउंटर सिस्टम जो है आफ्टर चेकअप के बाद, आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद, आफ्टर पेशेंट्स को डॉक्टर देखने के बाद इसका एंट्री सिस्टम होगा। ये भी जनरल पब्लिक के लिए बेनिफिट के लिए हम लोगों ने मांगा और इसको भी अथॉरिटीज़ ने फुलफिल करने के लिए आश्वासन किया और वादा किया। एंड नंबर फोर, नंबर फोर में बहुत ही ये इम्पोर्टेंट वाली बात है। नंबर फोर में हम लोगों का डिमांड था कि आपके जो निगरानी में, आपके जो अथॉरिटीज़ में, आपके अंदर में जो नर्सेस जो काम करते हैं, डॉक्टर्स जो काम करते हैं, उनके बिहेवियर को लेकर के, उनके एटीट्यूड को लेकर के सारा पब्लिक कंप्लेंट है, उसको डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है। उसको आप जो है आपको अथॉरिटी का हिसाब से, अथॉरिटीज़ के हिसाब से अगर आप जो पनिशमेंट अगर दे सकता है तो देना है। तो उसको भी उन लोगों ने ये आश्वासन दिया कि हर एक महीना में काउंसलिंग होगा एक्सपर्ट के साथ, डॉक्टर के साथ, नर्सेस के साथ और जितना जो कर्मचारी के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ जो है काउंसलिंग होगा कि पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, पेशेंट्स के साथ जो है कैसे करके रहन सहन कर होना चाहिए, वेलकम कैसे करना चाहिए, वो उन लोगों ने हम लोगों को आश्वासन दिया। यही था हम लोग का जो 4 point डिमांड। और ये भी उन लोगों ने कहा कि असम जो एक्सपर्ट ला करके ट्रेनिंग देंगे जो नर्स और डॉक्टर्स जो आरके मिशन में पर्टिकुलरली जो काम करते हैं, दे रहा है और देगा भी,